हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे हम कैसे बनाएंगे 4 क्विक इजी पफ हेयर स्टाइल्स। और उसके लिए सबसे पहले आपको करना है फ्रंट के हेयर को आगे, और आप आगे के बालों को सबसे पहले आगे लेकर आइए। और जिनके अगर पतले बाल हैं तो वो एक बार ये ज़रूर करें कि सारे बालों को आगे करके एक बार फ्रंट आगे की तरफ लेकर आएँ, 2-3 बार कोम करें। और जिनके कर्ली वेवी हेयर हैं वो एक बार फ्लैट आयरन भी ज़रूर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका पफ बहुत ईजिली आसानी से बन जाता है। और फिर भी आपका पफ नहीं बन रहा है तो आप एक लास्ट वाला ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा जो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, तो वो आप ज़रूर यूज़ करिएगा। फ्लैट आयरन करने के बाद बाल और मैनेजेबल हो जाते हैं और पफ बहुत आसानी से बहुत क्विकली बन जाता है, स्पेशली जिनके कर्ली वेवी हेयर हैं। और फिर आप सारे बालों को ऊपर की तरफ ले लीजिए और जितने भी एक्सेस हेयर हैं उसे निकाल दीजिए साइड से। और बालों को आपको सीधे ही आपको आगे की तरफ पुश नहीं करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पुश करेंगे तो मिडल पार्टीशन नहीं आता है, बीच में आपकी मांग नहीं आएगी, और आप फिर उसे टिक टैक पिन से सिक्योर कर लीजिए। तो ये बहुत ही एक सिंपलेस्ट वे है पफ बनाने का। तो हमारा पफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और इस तरह से आपका जो पफ है बहुत ही नीट क्लीन बनकर आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल, वो भी पफ से। तो उसके लिए आपको करना है साइड पार्टीशन, और ये आप कभी भी कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या फिर कहीं भी बाहर जाना है, क्विकली आपको हेयर स्टाइल करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। साइड पार्टीशन करके बालों को लेयर्स में लेते जाना है हाथों में, एक एक लेयर को अपने एक साथ जोड़ लीजिए सबको, 3 से 4 बार आप लेयर्स के इस तरह से लेयर्स ले लीजिए बालों के। और फिर उसके बाद सारे लेयर्स को एक साथ होल्ड कर लीजिए, और फिर उसके बाद दोनों को सारे लेयर्स को एक साथ लेके फिर आप उसको ट्विस्ट करके प्रेस करिए और उसे एक पफ बनाइए, तो बहुत फ्लफी सा पफ बनेगा। आपको ऊपर की तरफ पुश करना है बालों को, और धीरे धीरे से पुश करके बालों को होल्ड कर लीजिए एकदम टाइटली नीचे। और फिर उसके बाद आप जिस तरह से आपके बालों की लेंथ है, टिक टैक पिन या फिर बॉबी पिन, जिसे भी आपके बाल ज़्यादा देर तक टिके रहें तो आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टिक टैक पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े थिक हैं। और फिर आप उसे फैन आउट कर सकते हैं और फ्लफी बना सकते हैं। तो ये एक तरफ से पफ बन गया, और दूसरे साइड भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, 1-2 लेयर लीजिए और उसका पफ क्रिएट कर लीजिए, और उसको भी ट्विस्ट करके आप टिक टैक पिन या बॉबी पिन को लगा सकते हैं। तो ये है दूसरा तरह का पफ जो आप बना सकते हैं इजीली एवरीडे। अब ये है लास्ट हेयर स्टाइल, इसमें भी आपको साइड पार्टीशन नहीं करना है बालों के, और सिर्फ ऊपर के बालों को लेना है, और ऊपर के सिर्फ एक पूरे काफी पफ वाले बालों को लेके आपको साइड में ले जाना है और उसको ट्विस्ट कर देना है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके फ्लफी बन जाएगा, और उसके बाद फिर आप उसको सिक्योर कर लीजिए टिक टैक पिन से। और उसके बाद थोड़े से और लेयर लेने हैं नीचे के बालों के, और उसको भी एक बार ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ, और उसी को उसी में जोड़ देना है इस तरह से, और उसको भी सिक्योर कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 पिन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो पफ है आपका कुछ इस तरह से बनकर आएगा, आप इस तरह से भी एक पफ बना सकते हैं। अब ये लास्ट तरीका है पफ बनाने का, उसमें आपको सेंटर के बालों को लेना है, और सेंटर के बालों को फिर आप थोड़े से पाल लीजिए और उसको ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुश करिए। और पुश करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ परफेक्ट पफ बन गया है, उसके बाद आप उसको सिक्योर कर लीजिए टिक टैक पिन से। तो
तो ये एक छोटा सा पफ बन गया है, आप चाहे तो इतना ही रख सकते हैं, वरना अगर फुल हेड पफ बनाना है तो आपको साइड के बालों को भी लेना पड़ेगा। तो साइड से बाल और ले लीजिए एक लेयर और उसको भी उसी के ऊपर ले जाइए, एक ट्विस्ट करके आप उसको भी सिक्योर कर लीजिए। और उसी तरह से दूसरे साइड भी लेना है बालों को और उसको भी आपको ट्विस्ट करना है, और एक बार ट्विस्ट करके और उसको आपको सिक्योर कर लेना है। और फिर आप अपने बालों को धीरे धीरे लूजन अप कर लीजिए, तो ये एक फुल हेड पफ बन जाएगा। तो इस तरह से भी एक पफ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेप में ये पफ बनकर आया है और बालों को आप और लूजन अप और फैन आउट कर सकते हैं। तो ये फाइनल चार तरह के पफ्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। और अगर आपका पफ नहीं बनता है, फिर भी नहीं बनता है, तो ये लास्ट में ये वीडियो ज़रूर देखिएगा।